हेलो एंड वेलकम टू नीरज अकेडमी। माई सेल्फ नीरज गंगवार, और आज हम जो इम्प्योरिटी का बचा हुआ टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। हमने इम्प्योरिटी में पढ़ा था कि इम्प्योरिटी क्या होता है और इम्प्योरिटी के सोर्स कौन कौन से हैं, किसकी वजह से इम्प्योरिटी कॉज होती है, जिसमें हमने पढ़ा था रॉ मटेरियल, मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। आज हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड्स। मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड्स में वेरियस मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड्स होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, इम्प्योरिटी कॉज होती है। लाइक पैकेजिंग इरर। पैकेजिंग इरर में क्या होता है, जैसे सिमिलर लुकिंग प्रोडक्ट सच एज टैबलेट ऑफ द सेम साइज शेप एंड कलर पैक्ड इन सिमिलर कंटेनर्स कैन रिजल्ट इन अ मिसलेबलिंग ऑफ आइदर और बोथ ऑफ द प्रोडक्ट। कहने का मतलब क्या है कि पैकेजिंग इरर में क्या होता है, जैसे अगर टैबलेट पैक कर रहे हैं तो टैबलेट पैक करने के केस में क्या होता है, अगर सेम कलर की टैबलेट है, कलर भी सेम है, शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, तो हमको ये समझ में नहीं आएगा कि ये दोनों टैबलेट मतलब कौन कौन सी हैं। तो क्या है कि अगर हम उसकी लेबलिंग कर रहे हैं तो हो सकता है कि जो लेबल है वो आपस में एक्सचेंज हो जाए, तो उससे क्या होगा कि लेबलिंग गलत हो जाएगी, मतलब दोनों ही टैबलेट की लेबलिंग गलत हो जाएगी। अगर क्या होगा कि हमने एक का लेबल दूसरे में, दूसरे का पहले में लगा दिया, तो क्या होगा कि हमने जो टैबलेट पैक की है वो क्या होगा, उसका बिल्कुल नाम ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि कौन सी टैबलेट का कौन सा लेबल लगाना था। इसलिए ऐसी टैबलेट्स को जब भी पैक करें तो अलग अलग रखें और उसको अलग अलग से ही लेबलिंग करें, ताकि क्या हो, वो आपस में मिक्स ना हो, मिसमैच ना हो। बाकी क्या है, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन। मैनी प्रोडक्ट लाइक लिक्विड प्रिपरेशन एंड क्रीम्स इंटेंटेड फॉर टॉपिकल एप्लीकेशन आर लाइबल टू कंटेमिनेट बाई माइक्रोब्स फ्रॉम एटमोसफेयर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। देखिए क्या होता है कि जो लिक्विड प्रिपरेशन होता है ना, तो लिक्विड प्रिपरेशन में क्या होता है कि जो हमने यूज किया है सॉल्वेंट, तो उसमें क्या होता है कि जो सॉल्वेंट है उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाती है। माइक्रोबियल ग्रोथ होने की वजह से जो हमारा प्रोडक्ट है वो कंटेमिनेट हो जाता है। कंटेमिनेट होने के साथ साथ उसकी जो स्टेबिलिटी है वो भी क्या होती है, कम हो जाती है, और प्रोडक्ट जल्दी खराब होने के चांसेस रहते हैं। उसमें फिजिकल चेंज आ जाता है, फिजिकल चेंज लाइक कलर चेंज हो जाएगा, उसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा, इसके अलावा उसकी स्मेल भी चेंज हो सकती है। जैसे कि अगर हम घर में देखें, जो हम खाना खाते हैं, तो क्या होता है कि अगर हमारा जो खाना हमने क्या किया, लंबे टाइम के लिए स्टोर कर दिया, तो आप देखते हो कि जो खाना है वो क्या था, पहले जो नॉर्मल स्मेल कर रहा था, बाद में वो कैसा गंदी सी स्मेल आने लगती है उससे, उसका कलर भी होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसकी वजह से हमें क्या पता चलता है कि खाना खराब हो गया। सेम वे में जो लिक्विड प्रिपरेशन है, इसमें क्या होता है, जब माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाती है तो क्या होता है कि इसका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो चेंज हो जाती है, और इससे हमें पता चल जाता है कि जो ये प्रोडक्ट है या जो प्रिपरेशन है वो क्या है, अब इसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हो गई और ये खराब हो गई है। फॉर ऑल पेरेंटल प्रोडक्ट इंटेंडेड फॉर पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन स्टेरिलिटी टेस्टिंग इज डन एंड इट प्रोवाइड एंड कंट्रोल फॉर माइक्रोबियल कंटेमिनेशन। देखिए जितनी भी लिक्विड प्रिपरेशन हो गई, इसके अलावा पेरेंटल प्रिपरेशन हो गई या ऑप्थेल्मिक, है ना, लिक्विड का मतलब लिक्विड में क्या क्या, हम सीरप हो गया, सस्पेंशन हो गया, इसके अलावा पेरेंटल जो भी आप ड्रग ले रहे हो, जैसे IV IM जिसे हम क्या कहते हैं कि इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं वो ड्रग्स, है ना। इसके अलावा ऑप्थेल्मिक, जैसे हम आंख में डालने के लिए ड्रॉप्स यूज करते हैं, ईयर्स में डालने के लिए जो ड्रॉप्स यूज करते हैं, वो सब किसमें आते हैं, ऑप्थेल्मिक में आते हैं। तो इस तरह के जो भी प्रिपरेशंस होती हैं, जो भी दवाइयां बनती हैं, उसमें क्या होता है कि स्टेरिलिटी टेस्टिंग की जाती है। इससे क्या होता है कि जो भी माइक्रोब्स हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है, उसकी हम ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं कि माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो। जैसे आपने देखा होगा कि जब ऑपरेशन होता है तो क्या होता है कि जो भी वहाँ पे यूज होता है ना, जैसे लाइक सीजर हो गया, है ना, जितने भी वो औजार यूज करते हैं उसका क्या होता है, स्टेरिलिटी की जाती है, स्टेराइल किया जाता है उनको। स्टेराइल करने से क्या होता है, जो भी माइक्रोब्स होते हैं, जो भी माइक्रोब्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो पूरी तरह से फ्री हो जाता है ना। जो भी हमारा वहाँ पे हम यूज कर रहे हैं वो क्या होता है, माइक्रोब से फ्री हो जाता है, कोई भी माइक्रोब्स उस पर नहीं बचता है, और हम उसको क्या है, अच्छे से यूज कर सकते हैं, और वो किसी भी तरह से कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा। अगर माइक्रोब रह जाएंगे तो वो क्या होगा, इन्फेक्शन कॉज कर देगा। तो उसी तरह से उसको स्टेराइल किया जाता है, और यहाँ पे स्टेरिलिटी टेस्टिंग की जाती है, ताकि जो माइक्रोबियल ग्रोथ है हम उसको प्रिवेंट कर सकें।
इसके अलावा एंटी माइक्रोबियल एजेंट को भी यूज करते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए। तो यहाँ पे हमने टू टाइप्स पढ़े, पहला पैकेजिंग एरर, दूसरा माइक्रोबियल कंटामिनेशन। पैकेजिंग एरर में क्या होता है, सेम टाइप के प्रोडक्ट का क्या होता है, मिसलेबलिंग हो जाती है। माइक्रोबियल कंटामिनेशन में क्या होता है, माइक्रोबियल ग्रोथ की वजह से कंटामिनेट हो जाता है। इम्प्रॉपर स्टोरेज, इम्प्रॉपर स्टोरेज, देयर आर मैनी केमिकल सब्सटेंसेस विच में अंडरगो चेंजेस ड्यू टू केयरलेस स्टोरेज। देखिए क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसको अगर हमने प्रॉपरली स्टोर नहीं किया है, क्या नहीं किया है, प्रॉपरली स्टोर नहीं किया है, तो वो क्या होते हैं, कंटामिनेट हो जाते हैं। कैसे कंटामिनेशन हो जाते हैं, लाइक कि अगर हमने अच्छे से स्टोर नहीं किया तो वो क्या होगा, एयर के कॉन्टैक्ट में आएंगे, लाइट के कॉन्टैक्ट में आएंगे, तो बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो लाइट के कॉन्टैक्ट में आने से क्या होता है कि डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो क्या कर जाते हैं, उसके साथ रिएक्शन कर लेते हैं और क्या होते हैं, डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाते हैं। सेम चीज़ किसके साथ होती है, एयर के साथ होती है। वो क्या करते हैं, एयर की प्रेजेंस में वो क्या करते हैं, उसके साथ कोई रिएक्शन कर लेते हैं और क्या होता है कि वो किसी और फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, अपनी ओरिजिनल फॉर्म से किसी दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाते हैं और वो क्या कॉज करता है, कंटामिनेशन कॉज करता है हमारे फाइनल प्रोडक्ट में। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल लिखा है कि फेरस सल्फेट क्या होता है, चेंज हो जाता है, किसमें चेंज हो जाता है, इनसॉल्युबल फेरिक ऑक्साइड में। जब हम फेरस सल्फेट को अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में स्टोर नहीं करते हैं तो वो क्या करता है, एयर से और एयर से क्या करता है, एयर के साथ रिएक्ट करता है, मॉइस्चराइज हो जाता है, मॉइस्चर कंटेंट आ जाता है उसमें और क्या होता है, फिर फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड क्या है, वो वाटर इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। तो जो हमारा फेरस सल्फेट है, अगर हम उसको अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में नहीं स्टोर करेंगे और अवे फ्रॉम लाइट उसको नहीं रखेंगे डार्क प्लेस में, तो वो क्या करेगा, लाइट और एयर से क्या करेगा, रिएक्शन कर लेगा और क्या होगा, मॉइस्चराइज हो जाएगा और मॉइस्चराइज होने के बाद फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होके इनसॉल्युबल फेरिक ऑक्साइड मतलब फॉर्म करेगा, बनेगा, ठीक है। इसी तरह से एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन नेक्स्ट टाइप है हमारा। एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन में क्या होता है, एटमॉस्फेयर में कंटेन डस्ट एंड सम गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, इसी तरह से बहुत सारी गैसेस एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं जो कि क्या करती हैं, दीज मे कॉज कंटामिनेशन द फाइनल प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग। देखिए कहने का मतलब क्या है कि अभी हमने पढ़ा था कि बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, है ना, किसके साथ, गैसेस के साथ, एयर के साथ, लाइट के साथ, है ना। तो अब ये क्या है कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस पाई जाती है, ये हम सबको पता है, ठीक है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है या जो केमिकल है, अगर हम उसको क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, है ना, जब प्रोडक्शन कर रहे हैं उस टाइम पे अगर हम उसकी प्रॉपर अच्छे तरीके से हैंडलिंग नहीं करेंगे तो वो क्या होगा कि जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, बहुत सारी गैसेस हैं जो एटमॉस्फेयर में, वो क्या करेंगी, वो उसमें इम्प्योरिटी कॉज कर देंगी, किसमें, हमारे प्रोडक्ट में, उसकी प्रेजेंस की वजह से, गैसेस की प्रेजेंस की वजह से क्या होगा, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो कंटामिनेट हो जाएगा, उसमें इम्प्योरिटी आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या है, डिलीवरेट एडल्ट्रेशन। डिलीवरेट एडल्ट्रेशन पढ़ने से पहले हमको क्या पता होना चाहिए कि एडल्ट्रेशन क्या होता है, ठीक है। अगर हम एडल्ट्रेशन की बात करें तो अगर हम हिंदी में, शुद्ध हिंदी में अगर इसको बताएं तो इसका मतलब होता है मिलावट। अब मिलावट क्या होती है, सबके घरों में दूध आता है ना, और सब परेशान है कि दूध वाले जो दूधिया होते हैं वो क्या करते हैं, दूध में पानी मिला के लाते हैं, है ना। सपोज कि हमने 1 लीटर दूध लिया, अब 1 लीटर दूध में उन्होंने क्या किया, 250 ml वाटर ऐड कर दिया, पानी मिला दिया 250 ml, तो क्या हुआ, वो इम्प्योर हो गया, उसमें मिलावट है, किसकी मिलावट है, वाटर की मिलावट है। तो एडल्ट्रेशन का मतलब होता है कि किसी ओरिजिनल चीज में, जैसे ये हमारा क्या है, मिल्क है, यहाँ पे हमने 1 लीटर मिल्क लिया, ये कितना है, 1 लीटर मिल्क, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें और ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, कितना ऐड कर दिया वाटर, 250 ml। अब ये हमारी जो नेट क्वांटिटी हो गई वो कितनी हो गई,
1 लीटर 250 ml, 1 लीटर 250 ml नेट क्वांटिटी होगी, ठीक है। 1 लीटर 250 ml। अब ये 1 लीटर तो हमारे पास दूध था, लेकिन हमने 250 ml क्या किया, इसमें वाटर ऐड कर दिया। अब जो हमारे दूध की जो क्वालिटी है, दूध की जो क्वालिटी है, मिल्क की क्वालिटी है, वो क्या हुई, क्वालिटी डाउन हो गई। क्या हो गई, क्वालिटी डाउन हो गई। ये सिंबल क्या है, डाउन हो गई। और मिल्क की जो क्वांटिटी है, क्या मिल्क की क्वांटिटी क्या हुआ, बढ़ गई। क्या हुआ, बढ़ गई। तो एडल्ट्रेशन का मतलब है किसी ओरिजिनल चीज में हम क्या करते हैं, कोई यूजलेस स्पूरियस प्रोडक्ट को मिला देते हैं, है ना, जिसका कोई यूज नहीं होता है। सिर्फ हम उसको इसलिए मिलाते हैं ताकि हम उस केमिकल की या उस चीज की क्वांटिटी को क्या कर सके, बढ़ा सके। इसीलिए हम उसमें क्या करते हैं, कोई यूजलेस चीज को ऐड कर देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एडल्ट्रेशन कहते हैं। अब देखिए, एडल्ट्रेशन करने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, कि जो हम जिसमें केमिकल कोई हमारा है वो बहुत महंगा है ना, और जब हम उसको सेल कर रहे हैं तो हमारा उसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो उस प्रॉफिट को गेन करने के लिए हमने क्या किया, उसमें कोई सस्ता चीप प्रोडक्ट मिला दिया और उसकी क्वांटिटी को बढ़ा दिया। क्यों, क्योंकि तो हमको क्या करना था, उसका मार्जिन सेट करना था और प्रॉफिट को गेन करना था। ये एक रीजन हो गया। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, उस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे पास वो उतना अवेलेबल नहीं है। सपोज कि एक दूध वाले के पास 5 लीटर दूध उसको पर डे किसी को देना है, लेकिन उसके पास सिर्फ 4 लीटर दूध है, ठीक है। अब वो मना नहीं करेगा कि हम 1 लीटर नहीं दे पा रहे, वो क्या करेगा, 1 लीटर पानी मिला के दूध की क्वांटिटी को मेंटेन कर लेगा। तो क्या है, डिमांड ज्यादा होने पर हम क्या कर रहे हैं, यूजलेस प्रोडक्ट को मिला के उसकी क्वांटिटी को बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि हमने जानबूझ के नहीं मिलाया, वो एक्सीडेंटली मतलब क्या हुआ, यूजलेस प्रोडक्ट उसमें ऐड हो गया। ये भी एक रीजन होता है एडल्ट्रेशन का। तो हमको मेनली यहाँ पे ये समझना है, डिलीवरेट एडल्ट्रेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डिलीवरेट एडल्ट्रेशन मीन्स अ प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्योर चीप यूजलेस एंड स्पूरियस सब्सटेंस टू जीन्यून ड्रग। मतलब क्या है, हमारे पास कोई एक्टिव ड्रग है जो कि क्या करती है, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी शो करती है। अब हमने क्या किया, उसमें कोई ऐसे सब्सटेंस को ऐड कर दिया, ऐसे प्रोडक्ट को मिला दिया जिसका कोई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन वो क्या करेगा, सिर्फ हम उसको इसलिए मिला रहे हैं क्योंकि वो चीप सस्ता या तो लोकल है, उसके क्वांटिटी को बढ़ा देगा, इसलिए हम उसको क्या कर रहे हैं, अपने एक्टिव ड्रग में उसको मिला रहे हैं, जस्ट बिकॉज टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ ड्रग। द एडल्ट्रेशन में नॉट है फार्माकोलॉजिकल एंड थेरापूटिक वैल्यू, मतलब इसका कोई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं, चीप और सस्ता मिला रहे हैं जिसका कोई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होता है। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट किसका होगा, जो एक्टिव ड्रग है हमारी, जो ओरिजिनल ड्रग है, उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होगा। लेकिन हमने क्या किया, इसमें कोई चीप और सस्ता सब्सटेंस ऐड कर दिया जो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देगा, डेट इज एडल्ट्रेशन। होपफुली आप इसको समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज हमारा इम्प्योरिटी टॉपिक कंप्लीट होता है, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे लिमिट टेस्ट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।